ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत समेत दुनिया भर में मशहूर है। हाल ही में यहां लगभग एक साल की उम्र के 3 बच्चों को मंदिर के सेवकों के रूप में चुना गया है। हर साल इन्हें 1 से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 महीने के बालदेव, 1 साल के एकांशु समेत एक अन्य बच्चे को आधिकारिक रूप से सेवकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि इनकी सेवाएं इनके 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही शुरू होंगी। गौरतलब है कि ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि बहुत मशहूर है। इसकी तैयारी कई महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। बता दें कि ये यात्रा आषाढ़ माह में निकाली जाती है। पंचांग के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपने अपने रथ पर सवार होकर पुरी में भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। इस यात्रा से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें शामिल होने से मोक्ष मिलता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र से मिली जानकारी के अनुसार साल 2023 में जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू हो रही है। इस बार ये तिथि 19 जून को दिन में 11:25 से शुरू होगी और 20 जून को दोपहर 1:07 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि 20 जून को है, इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 20 जून को होगी। इस यात्रा से जुड़ी खास बात बता दें कि 20 जून को 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस तिथि पर त्रिपुष्कर योग, रवि योग और ध्रुव योग बनेंगे। शुभ योग के अलावा पुनर्वसु नक्षत्र में जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। डॉक्टर गणेश मिश्र के अनुसार 20 जून को त्रिपुष्कर योग सुबह 5:24 से शुरू होगा और दोपहर 1:07 तक रहेगा। इसके अलावा रवि योग रात 10:37 से लेकर 21 जून को सुबह 5:24 तक रहेगा, जबकि ध्रुव योग सुबह से लेकर रात तक रहने वाला है। यात्रा के आरंभ के बाद भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक रहने वाले हैं, जिसके अगले दिन यानी 28 जून को रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर से पुरी मंदिर की ओर वापस होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। अगरपना और नीलाद्री विजय रस्में पूरी की जाती हैं। बता दें कि 1 जुलाई 2023 को नीलाद्री विजय रस्म के साथ ही जगन्नाथ रथ यात्रा पूर्ण हो जाएगी। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।